हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हो रिंके जहान का व्लॉग। और आज का जो दिन है वो हम स्टार्ट करते हैं कढ़ी चावल से। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी जो कि कियान को बहुत पसंद है। और सबसे पहले ये मिलता है। हाय हाय, कैसे है? बोलो कैसे हो। हाय, किसी कर दो, फ्लैंकिश कर दो सबको। फ्लैंकिश नहीं, चलो हम आज बनाएंगे कढ़ी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कढ़ी चावल। और जो मैं अच्छा बनाती हूँ, जैसे जिन्होंने भी मेरे हाथ की कढ़ी खाई है वो कहते हैं अच्छी बनाती है। तो आज मैं वही रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं किस तरह कढ़ी बनाती हूँ तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैं कढ़ी के लिए तो सबसे पहले सरसों का तेल यूज करती हूँ, और बटर, बटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बटर कब डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने अभी डाल दिया है सरसों का तेल, और ये है सरसों का तेल। अब इसमें क्या होता है ना, मेरे पास जो कढ़ी पत्ता है फ्रेश नहीं होता, तो मैं लेके स्टोर कर लेती हूँ। तो ड्राई करी पत्ता है, और कुछ सूखी लाल मिर्च है, क्योंकि स्पाइसी मैं थोड़ा सा कम बनाऊंगी, पर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मेरा छोटा बेटा है तो मैं हरी मिर्च अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि उसको स्पाइसी नहीं देना है। तो अब ये गर्म हो गया है तेल। अब इसमें जो सबसे पहले जाएंगे वो जाएगा सूखी लाल मिर्च। ये सूखी लाल मिर्च इसमें चली गई है, और इसमें जाएगा जीरा, इसमें जीरा जाएगा, और इसमें जो जाएगा वो है हींग, और इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। ये मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, और ये है लहसुन और अदरक। ये सारा इसमें जाएगा। ये है प्याज जो मैंने इसको इस तरह लंबा, आप छोटा भी काट सकते हो, बट मेरे को लंबा लंबा पसंद है कढ़ी में। तो ये मैंने प्याज इस तरह काटा है, और इसमें जाएगा सारा का सारा प्याज। जल्दबाजी में मेन चीज भूल गए, इसमें जाएगा मेथी। तो इतना सा मेथी, थोड़ा सा मेथी, बहुत ज्यादा है नहीं। और इसको साइड में डाल दिया मैंने मेथी को, इसको थोड़ा साइड में कर लूंगी। मेथी मेरे को पहले डालना था पर मैं भूल गई। तो जब तक मेरा प्याज और मेथी, इसको धीमी आंच में करना, तब तक मैं बेसन का वो रेडी करती हूँ। ये मेरा रेडी हो रहा है, जब तक रेडी होता है। तो ये है बाउल, इसमें डालना है बेसन। मैं दो बड़ी चम्मच बेसन यूज कर रही हूँ, और इसमें जाएगा थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, और गरम मसाला, और नमक। नमक आप बाद में भी डाल सकते हो, पर मैं अभी तीन बड़ी चम्मच मैंने नमक डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स किया, बढ़िया से इसको मिक्स करके अब इसमें हम डालेंगे दही। दही और मैंने यूज कर रही हूँ मदर डेरी की दही। तो ये मिली जाएगी, और इसको भी मैं साथ साथ घुमाती रहूंगी ताकि मेरी प्याज जले ना, बढ़िया सा कलर आना चाहिए। तो अब इसमें डालूंगी मैं दही, थोड़ा दही डाल दिया। ये दही मैंने थोड़ी सी रखी पकोड़े के लिए, क्योंकि हम जो बेसन है वो दही में मिक्स करेंगे, और ये बाकी की दही ये है। और मैं मिक्स करूंगी। तो ये अब मैं इसमें डालूंगी पानी भर दो से, पूरा भर दो से, पूरा का पूरा। अब बहुत प्यार से इसको मिक्स करो।
प्यार से मिक्स कर दो इस तरह। मैंने इसको बहुत पतला सा बना दिया बिल्कुल, और इसमें पानी और भी जाएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही पानी जाएगा। अभी जब हम इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर, तो पानी और भी जाएगा इसमें। तो ये मेरी इधर आ जाओ, तो मेरी रेडी हो चुकी है। अब ये देखो पूरे प्याज कितने बढ़िया से भून गए हैं। अब इस टाइम आप एक ये चीज का ध्यान रखना, जब आप इसमें बेसन डालोगे तो जो इसकी धीमे आंच होती है ना वो एकदम ज्यादा कर देना, क्योंकि दही फट ना जाए। तो आप इसको फुल कर दो और फिर इसको फुल आंच में पूरी कढ़ी आप इसमें डाल दो, और इस टाइम बिल्कुल भी गैस की धीमी आंच मत करना, इसको फुल कर देना ताकि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें ये ताकि दही ये दही फटे ना बेसन के साथ ना, और उसको घुमाते रहो इस तरह, क्योंकि क्या होता है ना दही फट जाती है तो पूरी कढ़ी का टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग गैस की धीमी आंच रखते हैं और दही फट जाती है। अभी इसमें जो पानी है वो कम से कम इतना डलेगा, पहले इसका एक बॉयल आ जाए फिर हम पानी डालेंगे, यहाँ तक पूरा भर देंगे क्योंकि ये पूरा पानी सोख लेता है और हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं खानी। अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इस टाइम इसमें डालेंगे और पानी, और पानी पूरा एक और बॉयल इसमें गया जाएगा। देखो कितना पतला बना दिया इसको, तो आपको भी इसी तरह करना है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें और पानी डालूंगी, डाल दो बस बस। तो ये देखो मैंने इसको पूरा भर दिया, ये इसका हाफ होएगा, ये जब तक ये बनेगी ना ये कढ़ी का इसका पूरा हाफ हो जाएगा। यहाँ पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा नमक लग रहा है कि कम है तो आप यहाँ पे नमक डाल देना, मेरा नमक ठीक है तो आप अपने हिसाब से नमक का टेस्ट देख लेना। हमारी कढ़ी बन रही है यहाँ पे, अब मैं करूँगी पकौड़े की तैयारी। तो सबसे पहले मैं इसमें भी 2-3 चम्मच बेसन, और इसमें हरी मिर्च और बहुत सारा प्याज हरी मिर्च, इसमें प्याज आ गया, हरी मिर्च आ गई, बेसन आ गया, और इसमें हल्का सा धनिया पाउडर, इसमें नमक स्वाद अनुसार, इसमें मिर्च पाउडर, और इसमें हल्का सा हल्दी ताकि कलर आए। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, या से मिक्स करने के बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी दही जो हमारी बच गई थी वो हम इसमें डालेंगे, उससे क्या होता है ना इसका खट्टापन आ जाता है पकोड़े में ना, जब कढ़ी के पकोड़े मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसमें दही के साथ इसको मिक्स कर दिया। वैसे कुछ लोग प्याज के पकौड़े नहीं बनाते, बट मुझे कढ़ी के साथ प्याज के पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इस बस थोड़ा कम कर दो, और सबसे मेन सोडा, क्योंकि सोडे से क्या होता है ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया सोडा, तो ये अच्छे से ना फूल जाते हैं, पकौड़े टाइट नहीं होते। सोडा जब आप डालते हो तो पकौड़े में एक अच्छी सी सॉफ्टनेस रहती है, तो मैंने इसको डाल के बढ़िया ये है, इसको हमने बिल्कुल हाफ करना, जब ये हाफ हो जाएगी इसको खूब पकाना है अच्छे से कम 1-1.5 घंटे आप कढ़ी को सिम आंच में पकाओ तो टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। हाँ जी, तो मेरा इधर का पकोड़े का तेल भी तैयार हो गया, तो मैं बना रही हूँ पकोड़े। मुझे हाथ से डालना सही लगा क्योंकि गोल गोल नहीं आ रहा। बहुत तेल बहुत
गर्म हो गर्म गया और ज्यादा। बंद कर दी गैस अगर जल रही तो फिर जला रहे हैं। क्या है कि क्या दारू दारू पिएगा? मेरे पकोड़े बन गए हैं और ये कढ़ी बनी रही है। तो अभी पकोड़े भी बन गए हैं, कड़ी का तड़का भी लग गया है। अब लास्ट में जब हम पकोड़े कड़ी के अंदर डालेंगे, फिर लास्ट जो उसका तड़का है वो है घी का, देसी घी का, वो बनेगा। उसके बाद लगेगी कड़ी। और बस अब हम कड़ी का वेट करेंगे अच्छे से पक जाए। पकोड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो ये पकोड़े हो गए हैं बढ़िया से, और ये इतने सॉफ्ट बने हैं। हम निकाल देते हैं और उस पे ध्यान मत दो शेप कैसी है, क्योंकि जाना पेट में ही है। तो शेप पे ध्यान मत दो कि गोल शेप चाहिए, कढ़ी के पकोड़े है तो गोल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो कोई भी शेप बन जाती है, टेस्ट होना चाहिए। तो ये मेरा बन गया है और बाकी कढ़ी अभी अपनी पक रही है। हमारी कढ़ी थोड़ी पक गई है, देखो मैं आपको इतना काफ़ी नीचे आ गई है। अब इसमें जो मेन जो मैं डालती हूँ वो डालती हूँ मैं बटर। ये है बटर, तो अब इसमें मैं ये लिया और खूब सारा इसमें बटर डाल दिया। ये मेरे उसका राज है, काफ़ी हेल्दी ये जाएगा इसमें बटर। और उसके बाद जो ये क्रीमी फ्लेवर देगा वो सारा बटर इसमें, इससे जो टेस्ट इतना अच्छा आता है। और इसे प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। ये मैंने डाल दिया इसमें बटर, इससे इसे बटर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपने जो पकोड़े बनाए वो आप इसमें डाल देना। तो जैसे ही बटर मेल्ट होगा, फिर जो हमने पकोड़े बनाए थे तो ये पकोड़े हम डाल देंगे इसके अंदर। और कढ़ी देखो कितनी हाफ होगी, कड़ी थी यहाँ पे, पहले हमने यहाँ तक इसको फुल भरा था, तो कितना इसका कम हो गया। सो और थिकनेस भी थोड़ी इसकी बढ़ गई है। बटर भी मेल्ट हो गया इसका। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये हमने इसमें डाल दिए पकोड़े जो हमने बनाए थे। अब इसके बाद हमारी कढ़ी बन गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमारी कढ़ी बन गई है, अब हम इसमें देंगे फाइनल टच जो होगा घी का तड़का। ऊपर से हम बनाएंगे घी का तड़का, जिसके लिए मैं लेती हूँ छोटा सा पैन। तो ये डाल दिया मैंने एक चम्मच घी। तुम तो मक्खन कह रही थी गाइस, ये बहुत ज्यादा घी है, गाइस ये बहुत कम घी है। अब कढ़ी बना रहे हैं तो कुछ चटपटा धड़कता भड़कता तो चाहिए भैया, कढ़ी है तो ये कढ़ी है। अब इसमें डलेगी साबुत लाल मिर्च, ग्रीन चिली, और मैंने ध्यान के मेरे को अलग से कढ़ी निकालनी पड़ रही है, क्योंकि अब इसमें मैं थोड़ी लाल मिर्चें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तो क्या ये नहीं खाएगा। क्या तो निकल गया कड़ी अलग। और ये है साबुत लाल मिर्च और ग्रीन चिली, और इसकी गैस बंद कर दी है। अब डलेगी साबुत लाल मिर्च और इसका तड़का लगेगा। अभी देखो कितना मस्त है, इसका अच्छे से भिगो।
फाइनल टच। तो ये बन गई है मेरी कड़ी और आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। तो ये बन गई है, अब इसको हम थोड़ी देर तक हम इसको ढक देते हैं। गैस हो गया बंद, इधर बन गया मेरा जीरा राइस और फिर खाएंगे हम थोड़ी देर बाद। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आज कड़ी चावल बन रखा? ये पूरा दिन ये कोल्ड ड्रिंक जूस सिर्फ यही चलता है इनका, कैसा लग? गर्मी में ये तो पिया जा रहा है। पर आज तुम्हारे लिए कड़ी चावल बना है, तुम्हें कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। क्यों बताओ? मैं क्यों बताऊं? तुम कौन होते हो? तुम्हें तो तुम्हें बहुत पसंद है ना कड़ी चावल, तुम्हें पसंद है, एली को पसंद है और कियान को पसंद है। कियान का हमने अलग से निकाल दिया क्योंकि उसमें मिर्चें, हरी मिर्चें डली है जो कियान के लिए सही नहीं है। तो कियान के लिए एक पकौड़ा एंड कड़ी अलग निकल गई है। बनाने के बाद आप मेरी मेहनत देख सकते हो, मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम प्लांट्स हमने पुणे से मंगाए थे, उन प्लांट्स की इतनी बुरी हालत हो गई क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे शायद 47-46 टेम्परेचर जा चुका और हमने सारे प्लांट बेचारे अंदर लेके आए। और मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ, उस दिन कितने सुंदर लग रहे थे और अभी देखना क्या हालत हो गई मेरी प्लांट्स की। प्लांट्स की हालत कैसी होगी, बिल्कुल जूझ गए बेचारे बाहर ना। ये देखो उस दिन हम लेके आए थे, देखो पूरे ख़राब हो गए और फिर सारे के सारे। ये तो थोड़े बाहर है, ये फिर भी थोड़े हमने बचा लिए, सारे हमने इसको अंदर रूम में रख दिया है। देखो पूरे ख़राब हो गए प्लांट्स, पूरे बेचारे मुरझा गए इतनी गर्मी में। तभी हम खाद भी डाल दिया, शायद कुछ ये थोड़े सही हो जाए, इतने प्यारे आए थे। तो फिलहाल तो हमने इसे अंदर रखा है, देखते हैं कैसी होती है इनकी हालत। से मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो लूँ, बहुत गर्मी लग रही है, और थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर मिलते हैं खाना। 2 hours later. Hello guys, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे, श्रुति एंड विशाल रस्तोगी ने, दोनों ने मुझे गिफ्ट भेजा है टियारा से, तो हम इसे अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। क्या, चलो आओ, कर कर कर, आ जाओ। तो उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने मुझे भेजा है, भेजा है, क्या भेजा है? चुहान, क्या भेजा है? उन्होंने भेजा है 1, 2, क्या भेजा है? क्या क्या भेजा है? ये अरे बता दे, गिफ्ट के बारे में बताना है। अरे हमें गिफ्ट के बारे में बताना है। चलो तो देखो तो देखो, वाओ, ये तो मम्मा का मेकअप आया है, वाह। तो उन्होंने मुझे भेजा है मेकअप, ओ माय गॉड। तो ये है मेकअप, वाओ, ओ माय गॉड। एक ये है और ये मुझे ना चाहिए था, ये बहुत प्यारा है, ओ माय गॉड। ये बताइए अभी खोलना। एक ये है और ये भेजा है, ये भेजा है, कंसीलर भेजा है, और ये क्या है, ये लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है, और ये लिप एंड चिक, लिप्स पे भी लगा सकते हैं, चिक पे भी लगा सकते हो। और ये है ग्लो प्राइमर, और ये है ये काजल आईब्रो पेंसिल। तुम इतनी मोटी क्यों आ रही हो? हमारे बाल, मैं मोटी इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैंने बाल खुले रखे हैं। और ये है हाइलाइटर, और मुझे ये खोलना है, ये तो मुझे खोलना है हाइलाइटर। तो वीडियो तो विशाल एंड श्रुति वीडियो देख रहे होंगे, उनको उनके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच। ओ ये ब्रश है, वाओ, सही शायद। वैसे मुझे मेकअप करना आता नहीं है, बट अब मैं शायद और अच्छा सीख लूँ जब चीज़ें अच्छी आती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसे भी हम खोल के देखेंगे कैसा है। खुल भी नहीं रहा,
ठीक है ये तुम्हारा फ्री में आया। देखो 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 इधर देखो, वाओ ये कितना चमकीला चमकीला कब लगाओगी आई शैडो, बट बहुत अच्छा है। काश मेरे पास पहले होता तो मैं शादी में थोड़ा सा यूज कर लेती। ओ इतनी सुंदर कलर लग रही है। तो ये है जो उन दोनों ने मुझे भेजा, तो थैंक यू सो मच विशाल श्रुति, लव यू बोथ ऑफ यू।